शेरा के सामने एक बार फिर कहकर तो दिखाओ जो अब कहां। गाड़ी रोको। कहां जा रहे हो? मैंने कहा था ना कुछ ठीक नहीं था, वो देखो। अगर हम ऐसे ही रुक रुक के चलते रहे तो राजविद्या आश्रम कैसे पहुंच पाएंगे? कभी शेरा के बाबा के सामने आंख उठाकर बात की तो शेरा तुम्हें जान से मार डालेगी। और इस गलती के लिए इस साल तुम्हें दुगनी हुजूरी देनी पड़ेगी, समझे? बाकी की हुजूरी हमारे आदमी तुमसे वसूल कर लेंगे। तो तुम ही हो जिसने इन गांव वालों की आंखों में डर पैदा करके रखा है। तुम कौन हो? आर्य नगर का राजकुमार। राजकुमार जी, राजकुमार वीर, यह तुम्हारा आर्यनगर नहीं है, यहां हमारा राज चलता है। इस तरह लोगों को डरा धमका कर रखने को राज करना नहीं कहते। अच्छा, यह तुम कह रहे हो। हम जो करें वो गलत और तुम जो आर्यव्रत श्रमिकों के साथ करो वो ठीक। खबरदार, जो तुमने हमारी बराबरी तुम जैसे लोगों से की। हमारे व्रत श्रमिकों को एक बेहतर जिंदगी देते हैं, घर धन अनाज सब कुछ देते हैं। हमारे आर्यनगर में क्या होता है क्या नहीं ये तो हम बाद में देख लेंगे, पर पहले तुम्हें यहाँ के तौर तरीके बदलने होंगे। अच्छा, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तुम इस जगह को आंख उठाकर भी नहीं देखोगे।